हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नवीन कुमार। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेगा। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएससी स्टूडेंट्स। सो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, तो फिर उस डेफिनेशन को आपको समझाता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि मेटल या सेमीकंडक्टर सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ द फोटोन। फोटोन के इंसिडेंट होने से किसी मेटल या सेमीकंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक अगर इस बात को मैं लिखूं, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे, मेटल या सेमीकंडक्टर ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ एनर्जेटिक फोटॉन्स। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको समझते हैं अच्छे से। क्या है, देखो ध्यान से, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल और सेमीकंडक्टर। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेंगे? अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बाहर निकल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस किस के पास हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन मेटल के पास हो सकते हैं या फिर सेमीकंडक्टर के पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर के पास तो नहीं हो सकते ना। तो पहली बात तो यहीं से हमारी क्लियर होती है कि ये बात बिल्कुल सही है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल और सेमीकंडक्टर मींस हमारे पास एक मेटल हो या फिर क्या हो, सेमीकंडक्टर, इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इस इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकला, आगे बढ़ना, ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ द एनर्जेटिक फोटोन। ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि इस पर फोटोन जो है वो गिर रहा था। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनेगा, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल और सेमीकंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फोटोन या ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ द फोटोन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये डेफिनेशन बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इस डेफिनेशन को कंप्लीट कब किया, जब एक वर्ड यूज कर दिया, एनर्जेटिक फोटोन। हम जो फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं वो इंसिडेंट फोटोन क्या है आपका, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब क्या है, एक्चुअली मैं एक बात कह रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल ऑफ द सेमीकंडक्टर। मतलब एक बात क्लियर है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी तो वो बाहर निकलते हैं, लेकिन क्या वो फ्री बिल्कुल फ्री होते हैं? मींस कोई भी हम अगर फोटोन डालेंगे, कम से कम एनर्जी का फोटोन डालेंगे, तो भी क्या वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा अराइज होता है। तो मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण पेश करता हूं। ये एक प्रकार से मेटल, ये क्या एक प्रकार से, उदाहरण मानो आप कि एक मेटल है, तो इस मेटल अंदर मैंने ये चने डाल रखे हैं, तो ये समझो कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ मेटल के अंदर ये जो चने हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो एक बात समझो कि ये बिल्कुल फ्री है ना। तो मेटल कुछ इसी तरीके से होता है कि मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या होते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल पा रहे, पूछना भी लागो ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ये इससे बाहर कब निकलेंगे बताओ, क्या कोई भी कोई इससे बाहर निकाल देगा? नहीं। अगर कोई एनर्जेटिक फोटोन आएगा, क्या आएगा, एनर्जेटिक फोटोन आएगा और इसको खोल देगा, तो नेक्स्ट हाफ में हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए, बाहर चला जाए। मेरी बात समझिए, तो जो फोटोन होगा वो क्या होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, बाहर। अब जो फोर्स या जिस पोटेंशियल से, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बंद होते हैं, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच दिस इलेक्ट्रॉन होल्ड इन दिस मेटल, इस मेटल के अंदर किस एनर्जी के साथ ये होल्ड है। क्लियर, तो जो मैं फोटोन डाल रहा हूं
उस फोटोन की एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन फाई होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकल पाएगा। तो क्या आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई? डेफिनेशन सिंपल सी है। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल और सेमीकंडक्टर ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ द एनर्जेटिक फोटोन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बात समझ में आ गई सभी को? इसको आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कहोगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो विद इन द मटेरियल रहे, वो क्या रहे, विद इन द डिवाइस या विद इन द मटेरियल अगर रहे, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या? जो आपका इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है, वो अगर जो क्रिएट हुआ है वो विद इन द सॉलिड अगर क्रिएट हुए हो, तो उस इफेक्ट को कह देते हैं इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब क्या कहेंगे? हियर इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटिंग इनसाइड द मटेरियल। अगर मटेरियल के अंदर ही क्रिएट हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो किसमें होगा? अभी हम पढ़ेंगे सोलर सेल, तो सोलर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस जरूर होता है लेकिन वो विद इन द मटेरियल होता है। फिर हम पढ़ेंगे पिन डायोड, उसमें क्या होता है? उसके अंदर भी इनसाइड होता है। तो ये जितने भी एवलांच फोटो डायोड हो गया, फोटो ट्रांजिस्टर हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, पीएन जंक्शन फोटो डायोड हो गया, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट तो होगा लेकिन वो विद इन द मटेरियल होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्रिएट तो हुआ है भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फील्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है, लेकिन वो क्रिएट विद इन द मटेरियल अगर क्रिएट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सटर्नल फोटोइलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट होता है? कि जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है वो बाहर निकल गया, मीन्स द क्रिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, बताओ कहां से? आउटसाइड। आउटसाइड अगर वो क्रिएट हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन क्रिएट तो हुआ है लेकिन वो क्रिएट होकर बाहर चला गया, एक्सटर्नल चला गया, तो उसको हम क्या कहते हैं बताओ? एक्सटर्नल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? अब एक्सटर्नल में हम पढ़ेंगे वैक्यूम फोटो डायोड हो गया, फोटो मल्टीप्लायर हो गया, माइक्रो चैनल हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आप एक बात देखेंगे एमएससी के स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? कंप्लीट। तो एक वीडियो एक टॉपिक को क्लियर करेगी। समझे? बिल्कुल धैर्य से वीडियो को रोकें और जहां समझ में नहीं आता दोबारा पलट के देखें। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बताओ जल्दी से? द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहां से? मेटल से या सेमीकंडक्टर से, ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ किसके? फोटोन, एनर्जेटिक फोटोन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। If this electron is created inside the material, then this effect is called internal photoelectric effect. And if this electron create outside the material, this effect is called external photoelectric effect. क्या बात समझ में आ गई सभी को? अरे आई नहीं आई? अब देखो, अब हम आपका सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूं मैं, इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक का सोलर सेल। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनो, वीडियो को पॉज करके आप इस चीजों को जो मैं लिखवाऊं उनको नोट किया करो, जो बोल दूं एक बार उसको दोबारा सुनो और अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, बोर्ड पे कम से कम अगर लिखने का मटेरियल होगा तो ज्यादा आपको समझाया जाएगा, और मैं वीडियो के साथ इन नोट्स की जरूर लिंक आपको भेजूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला टॉपिक है और उसका नाम है सोलर सेल। क्या नाम है? सोलर सेल। आजकल एनर्जी की बहुत जरूरत है, आजकल एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसी एनर्जी की जरूरत है जिसको क्रिएट करने में खर्चा ना हो। मेरी बात समझे? नहीं समझे? वरना तो देखो एक बात, न्यूक्लियर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होती है, लेकिन उसमें भी फ्यूजन और फ्यूजन के लिए आपके मतलब इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अरेंजमेंट का रुपए है। डायनमो, अगर हम डैम्स की बात करें तो डैम के अंदर भी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट पूरी होती है, पूरा सेटअप होता है, और उन्हीं पहाड़ों में हिमालय में वो क्रिएट होती है, उसको दूर ट्रेवल करके यहाँ तक लेके आते हैं, उसमें कितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, कितना
इतना खर्चा होता है, इसीलिए आपकी बिजली जो है वो महंगी होती है। तो हमें कुछ ऐसी एनर्जी की जरूरत है जिसको क्रिएट आप घर में कर सको, मतलब जिसकी लाइफ बहुत हो, मतलब एक बार आपने सेटअप कर दिया तो आप उसको उम्र भर यूज कर सको। हमें एक ऐसी एनर्जी की जरूरत है। और चारों तरफ हम देखते हैं तो एक ऐसी एनर्जी हमारे पास है। सुबह उठते हैं जब सूरज आता है तो वहां से सनलाइट आती है, उस लाइट को हम अगर यूज कर लें तो उस एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस है। उस एनर्जी, वो एनर्जी रिन्यूएबल है, उस एनर्जी से कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा, वो नेचुरल हमारी एनर्जी आई हुई है, बस हमने कन्वर्ट किया है, आई लाइट है और कन्वर्ट किया है किसमें, इलेक्ट्रिक में। क्लियर? खर्चा हुआ है, सेटअप का खर्चा हुआ, लेकिन वो खर्चा एक बार हुआ, उसके बाद वो 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई, लगातार इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता रहा। और सोलर एनर्जी तो हमें डेली मिलेगी, कुछ दिन वेदर खराब होगा लेकिन लगभग तो डेली मिलेगी, मांग तो नहीं मांगते। और राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी बहुत होती है, जितनी गर्मी होगी उतनी सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी। मेरी बात समझे? समझे? तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है, कैसा है? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करे किसको, लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। अरे लाइट आ रही है और उससे बल्ब जल गया, इस एनर्जी को कन्वर्जन क्या कहते हैं, लाइट इनटू इलेक्ट्रिक, लाइट इनटू इलेक्ट्रिक। द कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड द दिस प्रोसेस एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सोलर सेल। समझे? तो डेफिनेशन आप लिख लेंगे बोर्ड पे, क्या है, सोलर सेल इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। प्रोसेस वो याद रखना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशन क्लियर होगी सभी को? उसके बाद इसका सिंबल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिंबल। और डेफिनेशन करके मैं जो लिखवाया वो लिख लेना, जो बुलवाया ये इसका सिंबल, इस तरीके से हम इसको सिंबलाइज करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ द सोलर सेल। ठीक है, सिंबल के बाद आता है कंस्ट्रक्शन कि हम इस सोलर सेल को कैसे बनाएं। ठीक है, सोलर सेल कैसे बनता है, तो सोलर सेल मेनली एक पीएन जंक्शन डायोड से बनता है। किससे बनता है जी, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है अभी ये बताएं, जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड दिस इज द एन टाइप, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ मिलाया जाता है तो उसको हम क्या देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। क्या कह देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो सोलर सेल कैसे बनाया जाता है, व्हेन पी एंड एन टाइप आर कंबाइंड टू ईच अदर। चलिए, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं जरूर उस वीडियो को देखिएगा, द सेमीकंडक्टर नाम से वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर होल मेजॉरिटी कैरियर होंगे, जिनके अंदर क्या हो, होल मेजॉरिटी कैरियर हो। और एन टाइप वो होते हैं जिनके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर हो, जिनके अंदर होल मेजॉरिटी कैरियर हो उनको क्या कहते हैं, पी टाइप, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर हो उनको क्या कहते हैं, एन टाइप। हालांकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई खेल नहीं है, लेकिन फिर भी पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं और एन टाइप में होल माइनॉरिटी होते हैं। मेरी बात समझे? अब जब इस पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम मिला देंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई, इधर होल ज्यादा है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो चीजें ज्यादा से कम की तरफ प्रोसीड करती हैं। जब P और N को मैं मिलाऊंगा तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे, इधर होल ज्यादा है, इधर होल कम है, तो होल उधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके कारण बीच में कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। होल क्या है, वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन जहां से गया था तभी होल क्रिएट हुआ था, इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी के पास आ गया, कंप्लीट खत्म कहानी। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। और अगर ये डिसअपीयर होंगे तो क्या होगा, देखिएगा जरा, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों न्यूट्रल होते हैं, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल।
न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर 10 प्रोटॉन है तो इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल न्यूट्रल बन गया, नहीं बन गया। अब अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहां पर कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को कोई बताएगा इसमें चार्ज कैसा हो रहेगा? अरे 9 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक प्रोटॉन ज्यादा नहीं बच गया क्या? तो यहां पर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर होल चला गया तो कैसा चार्ज रह जाएगा? नेगेटिव, वो उससे ऑपोजिट होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गए। यहां से होल गए तो यहां नेगेटिव आयन क्रिएट हो गए, और ऐसा जब हुआ तो यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। दिख रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया, और यहां पर क्या क्रिएट हो गया? लो पोटेंशियल। और जब जब कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा तब तब एक फील्ड क्रिएट होगी, और इस फील्ड का नाम दे देता हूं मैं बैरियर फील्ड। इसकी कारण ये बैरियर फील्ड, बैरियर तो गहरे नाम सुन लेना। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो यहां तो पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया, और यहां क्या हो गया? नेगेटिव आयन। अब फर्दर ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज दिखने लग गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, ये होल को उधर नहीं जाने देगा, इसलिए हम इसको बैरियर कह देते हैं। इसलिए इस फील्ड का क्या नाम दे दिया गया? बैरियर फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई? ये पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बता दिया मैंने इतनी देर में। अब इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, इट कंसिस्ट ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड विच इज डायरेक्टली बाइस्ड, या कह देंगे नो बाइस्ड। नो बाइस्ड का मतलब, अरे बाइसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल सप्लाई। मैंने यहां पर कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं की, मैंने डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस को एड कर दिया, तो इसको कहते हैं नो बाइस। मैंने किसी प्रकार की बाइसिंग नहीं की। और क्या क्या होता है इसके अंदर? और इसके अंदर एक कन्वर्जिंग लेंस होता है भाई साहब, कि जो भी लाइट या फोटोन इस पर इंसिडेंट करेंगे उनको फोकस करके एक जगह पर ले आएगा। ऐसे लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। वीडियो को पॉज करके इस चित्र को बनाइए, कंस्ट्रक्शन का एक चित्र है। अब कंस्ट्रक्शन में लिखना क्या है? तो कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड विच इज नॉट बाइस्ड, जो बाइस्ड नहीं है। क्लियर? यहां पर मैं किसी प्रकार की इसमें बाइसिंग नहीं कर रहा। अब जब मैंने कहा ना इट कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो आप पूरी स्टोरी लिख देना पीएन जंक्शन डायोड की क्या होती है। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनते हैं? तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, होल इधर गए, कंबाइन हो गए, और हमारा जंक्शन बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन है। सेकेंड, इट कंसिस्ट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। यहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जो लाइट को कन्वर्ज करके एक जगह पर फोकस करता है। तो क्या कंस्ट्रक्शन में दो पॉइंट क्लियर हो गए? इट कंसिस्ट ऑफ, बताओ क्या जल्दी जल्दी? इट कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच इज नॉट बाइस्ड, एंड सेकेंड ए कन्वर्जिंग लेंस। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। डेफिनेशन हो गई, सिंबल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब बात करते हैं वर्किंग की। इसकी बात करते हैं वर्किंग की। समझें अच्छे से इसको, और रोक रोक के नोट करें। बहुत ज्यादा मेटेरियल बता रहा हूं, अगर नोट करोगे तो। वर्किंग क्या होती है? देखो ध्यान से, ये जो बैरियर था इस पर मैं फोटोन डाल रहा हूं। अब फोटोन डालने से होगा क्या? एक्चुअली ये आयन है। आयन का मतलब मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी, आयन का मतलब क्या होता है। आयन का मतलब होता है कि जब 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, तो एक न्यूट्रल सिस्टम था। कैसा सिस्टम था? न्यूट्रल। जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो एक पॉजिटिव आयन बन गया था, बन गया था। तो पॉजिटिव आयन बना, तो आप ये बात मत समझिएगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, अरे है इसके पास, 9 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। आयंस के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो बाहर वाली सेल में नहीं होती। किधर वाले सेल में होते हैं? इंटरनल सेल में। अब जब मैं फोटोन बाहर डाल रहा हूं, तो फोटोन जब डालूंगा तो जो अंदर वाली, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, जो बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेल किधर है? अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो अंदर वाली सेल का मतलब क्या है? ज्यादा इससे बाउंडेड है। ये इससे क्या है? ज्यादा बाउंडेड। तो जब मैं फोटोन इस पर डाल रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। भाई फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर। इफेक्ट पड़ा था फोटोइलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है, इससे वर्क फंक्शन आपकी चीज पड़ी थी ना।
अब जब इस पर फोटोन डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, बाहर। और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल। अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वैकेंसी क्रिएट होगी और उसी वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल। आराम से वर्किंग को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। When photon are incident on the depletion layer, इस लेयर को क्या कहते हैं हमें, डिप्लेशन लेयर या जंक्शन। When photon is incident on the junction, electron and hole pair are created. क्या इस बात से सहमत हो भाई, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ तो वहां क्या क्रिएट होगा, हो। तो यहां पर जब फोटोन गिरे तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या हो गए, क्रिएट। एक नहीं हुए भाई, बहुत ज्यादा पेयर जनरेट हो। When photon is incident on the depletion layer, electron and hole pair generate. तो electron और hole pair क्या हो गए, generate। पता लग working में लिखना है। अब देखो ध्यान से, एक field लग रही है, barrier field। आपको एक बात बता दूं, जब भी किसी field के अंदर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, F is equal to Q into E। अगर ये चार्ज जो है नेगेटिव होगा तो फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेगी, अपोजिट। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो बताओ जी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का अर्थ मतलब इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये किधर जाएगा, इधर। होल हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गया तो होल क्रिएट हुआ, मींस इलेक्ट्रॉन एंड होल का नेचर अपोजिट है, एक जाता है तो दूसरा आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव तो हम होल पर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और होल पर फोर्स किधर लगेगा, इधर। मेरी बात समझ। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करे, टुवर्ड्स द एन टाइप, एंड होल किधर मूव करे, टुवर्ड्स द पी टाइप। ये सारा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पे क्या हो रहा है। अब एक बात बताता हूं, करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, इधर ना, तो होल इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, अरे इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, इधर, तो करंट क्रिएट होगा इधर, और इस करंट को हम कह देते हैं लाइट करंट, क्योंकि ये किसकी वजह से, फोटोन के गिरने से हुआ है। इसको नाम दे दो चाहे फोटो करंट या नाम दे दो लाइट करंट। क्या इतनी बात से सहमत हो, वर्किंग का पहले छोटा सा पार्ट हो गया हमारा, क्या। When photon are incident on the depletion layer, electron and hole are created. Electron and hole field क्या हुए? Created. And due to presence of the barrier field, these electrons start move towards the n type and hole move towards the p type. Due to this, a light current or photo current start flow from n to p, n to p, n to p. इस बात को एन टू पी बहुत ज्यादा बार बोलो, लाइट करंट प्रोड्यूस फ्रॉम एन टू पी, इतनी बात समझना। अब देखो नेक्स्ट, हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी किसी रेजिस्टेंस से अगर करंट बहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप जरूर होगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप होता है V इज इक्वल टू आई इन टू आर। अब जब एक बात और याद रखना, करंट हमेशा जब फ्लो करता है तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो आई एल इन टू आर होगा। करंट फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक। अब जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वैसे काम और हुआ, पी साइड पॉजिटिव एन साइड नेगेटिव, या कह दो P is at high potential and N is at low potential. Starting में कोई biasing नहीं थी, biasing मतलब कोई हमने external battery नहीं लगा रखी, लेकिन जैसे ही light current produce हुआ वो resistance के across drop हुआ और यहां पर ये voltage का काम करने लग गया, और इस voltage ने इसको biased कर दिया, और biased भी कह सकती है बताओ जल्दी से, forward bias। कैसे, क्योंकि P हाई पर है और N इस पर है लो। When P is at high and N is at low potential, the biasing is called forward biasing. और जब जब forward biasing हुई तब तब एक करंट फ्लो किया है जिस करंट का नाम है फॉरवर्ड करंट, और उस करंट की डायरेक्शन होती है जहां P to N। डायरेक्शन क्या होगी जल्दी से बताओ, P to N, that is the forward current। तो लाइट करंट इधर है, फॉरवर्ड करंट इधर है, अपोजिट है ना,
तो दैट्स व्हाई जो नेट करंट फ्लो करता है वो क्या करता है, लाइट माइनस फॉरवर्ड। और आपने डायोड इक्वेशन पढ़ी होगी तो उसमें जो करंट होता है वो आई नॉट e की पावर बीटा इटा वीटी माइनस वन, वेयर आई एल फोटो करंट, आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट, वी जिस बैटरी फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज इटा रिकम्बिनेशन कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू वन फॉर जर्मेनियम एंड टू फॉर सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होगा तो टू वरना वन, एंड विटी थर्मल वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज। सो दिस इज द करंट प्रोड्यूस इनसाइड द सोलर सेल, करंट प्रोड्यूस हो गया नहीं हो गया, फोटोन डाला प्रोड्यूस क्या हो गया, करंट। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सोलर सेल, इसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, सोलर सेल। वर्किंग को एक बार दोबारा रिमाइंड करता हूं, व्हेन फोटोन आर इंसिडेंट ऑन द डिप्लेशन लेयर, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर आर क्रिएट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द बैरियर फील्ड, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड एन टाइप, होल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पी टाइप, ड्यू टू दिस ए लाइट करंट और फोटोन करंट प्रोड्यूस फ्रॉम एन टू पी, ड्यू टू दिस फोटोन करंट वोल्टेज ड्रॉप टेक प्लेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दिस वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बाइस दिस डायोड, ड्यू टू दिस ए फॉरवर्ड करंट स्टार्ट फ्लो एंड दिस फॉरवर्ड करंट इज फ्रॉम पी टू एन दैट एंड द फोटो करंट एंड द फॉरवर्ड करंट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द नेट करंट इज इक्वल टू फोर आई एल माइनस आई एफ, वेयर आई एफ इज गिवन बाय आई नॉट ई की पावर वी अपॉन नीटा वीटी माइनस वन, IL is called photo current, I naught is called reverse saturation current, eta is called recombination constant, VT is called thermal voltage. This is the working of the solar cell. Video को pause कीजिए और working को बार बार पढ़िए, अपने आप समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। अब इस working समझ में आ गई, रोक के दोबारा दोबारा पढ़ लीजिए। अब आगे बढ़ता हूं मैं सोलर सेल, आज सोलर सेल पूरा करवाना है। एक इक्वेशन हमारे पास आई है, इसी इक्वेशन के साथ हम कुछ काम करेंगे, हमारी इक्वेशन जो है वो ये